क्वेश्चन आपने लिखा है, कैलकुलेट द थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बार ऑफ लेंथ 10 मीटर क्लैम्ड बिटवीन रिजिड सपोर्ट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 1.85 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज 8.43 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर पर डिग्री सेल्सियस। थर्मल स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करना है। थर्मल स्ट्रेस होता है y अल्फा डेल्टा थीटा। लेंथ का इसमें कोई यूज नहीं है, भले ही एग्जाम में दे दी जाए। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको कितना गिवन है, बोलना जरा। 1.85 इंटू 10 पावर 8। हाँ हाँ, अल्फा कितना गिवन है, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन -11, और चेंज इन टेम्परेचर है आपका 60 से 20 से 60। तो ये बना 1.85 इंटू 8.43 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -3। सबको सॉल्व कर लीजिए, थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगी। करके बताइए सॉल्व अभी। क्वेश्चन नंबर 28। 27 वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस 0.3 mm ईच गेट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप। फाइंड द हीट रिलीज्ड। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 4.8 न्यूटन पर मीटर। 27 छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, 27 स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। और ये सब मिलकर के इन्होंने एक बड़ी ड्रॉप बना ली। तो आपको बताना है कि इस प्रोसेस में कितनी हीट रिलीज होगी। इसका उल्टा प्रोसेस हो तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिलकर बड़ी ड्रॉपलेट बनाएंगी तो क्या कांस्टेंट रहेगा, जितना वॉल्यूम है सबका मिलाकर 27 का, उतना ही वॉल्यूम बनेगा एक बड़ी ड्रॉपलेट्स का, बड़ी ड्रॉप का। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉपलेट इनटू 27। वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप 4/3 πr³। 27 इंटू 4/3 π, और ये किसकी रेडियस, छोटी वाली की रेडियस। 4/3 कैंसिल हो गया, r³ इक्वल्स 27 r³। और ये कितना दे रखा है आपको, 0.3 mm। दोनों तरफ से क्यूब रूट ले लीजिए, तो 27 का क्यूब रूट 3 इंटू 0.3 mm, तो कितना बना ये, 0.9 mm। ये एक बड़ी ड्रॉप का रेडियस आ गया। जब छोटी छोटी 27 ड्रॉप आपस में मिली तो बड़ी एक ड्रॉप बनी, उस एक बड़ी ड्रॉप का रेडियस है 0.9 mm। अब हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय सरफेस टेंशन, और वर्क डन बाय सरफेस टेंशन होता है W इज इक्वल टू S डेल्टा A। S सरफेस टेंशन और डेल्टा A चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया पहले निकाल लेते हैं हम।
डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स माइनस एरिया ऑफ 1 लार्ज ड्रॉप. डेल्टा ए, एक ड्रॉपलेट का एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर. और इसका एरिया कितना होगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. ठीक है, 4 पाई मैंने कॉमन ले लिया, 27 4 पाई 27, इसकी रेडियस कितनी है? 0.3 इंटू 10^-3 होल स्क्वायर. और इसकी कितनी बनी बोलो? 0.9 इंटू 10^-3 होल स्क्वायर. 4 पाई 27 इंटू, इसका स्क्वायर कितना होगा? 0.09. 0.09 इंटू 10^-6 माइनस बोलो 0.81 इंटू 10^-6. 10^-6 भी कॉमन है यहां से, और शायद जीरो पॉइंट जीरो नाइन भी कॉमन ले लूं क्या? एक काम करता हूं, पहले तो मैं इसको 9 बनाकर 10^-8 कर लेता हूं, इसे 81 बनाकर 10^-8 कर लेता हूं, और 10^-8 कॉमन आ जाएगा, और फिर 9 भी इसमें से कॉमन आ जाएगा, बल्कि इससे भी ज्यादा कॉमन आ रहा है, 27 भी तो कॉमन आ रहा है ना? तो ये बना देखो, डेल्टा ए 4 पाई तो है ही, ओके. और देखो मैं इसको ब्रैकेट के बाहर 10^-8 कर लेता हूँ, 10^-8 कर लिया, और यहाँ देखो 27 कॉमन आया तो यहाँ बचा 3, और इसमें से ही मैं 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, है ना? तो कुल मिला करके मैंने कॉमन लिया 27/3, और यहाँ क्या बचा? 3-1. समझ आ गई बात या नहीं? 27 माइन लिया तो कॉमन, तो यहाँ 3 हो गया, और उसमें से मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया, यहाँ 3 बचा, यहाँ 1 बचा, करेक्ट. तो डेल्टा ए इज इक्वल टू हो गया 4 पाई इंटू कितना? 81 इंटू 2 इंटू 10^-8 मीटर स्क्वायर. डेल्टा ए इक्वल्स कितना बनेगा? पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दो ना, 4 × 8 इंटू 10^-8 मीटर स्क्वायर. अब इसके बाद निकाल लीजिए वर्क डन इक्वल्स टू क्या है? एस डेल्टा है. सरफेस टेंशन कितना गिवन है? सरफेस टेंशन 4.8 इंटू 648 इंटू 22/7 इंटू 10^-8, और ये अब आपका आंसर आएगा किसमें? जूल में. सारी वैल्यूज मैंने इमेजिनरी ली हैं. वाटर का सरफेस टेंशन 4.8 न्यूटन पर मीटर नहीं होता, मैंने सिर्फ इमेजिनरी वैल्यूज ली हैं ये. ठीक है, करो.